हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो कल है जन्माष्टमी और मेरे घर में जन्माष्टमी का कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट है और वो है अनिका की वजह से। शी इज सुपर एक्साइटेड। अब ये बताएगी आपको कि हम आज क्या करने वाले हैं। चलो बताओ। आज हम कृष्ण जी का झूला बनाएंगे। यस, आज हम बनाएंगे कृष्ण जी का झूला और इसी की डिमांड है कि हम घर पे बनाएंगे। जब हम इतना कुछ कर लेते हैं अपने से क्रिएटिविटी, तो हमें झूला भी अपना खुद घर में बनाना चाहिए। सिंपल स्टाइल का मैं झूला बनाऊंगी, सिंपल एंड अट्रैक्टिव। सो छोटा सा झूला बनाऊंगी क्योंकि मेरे कृष्ण जी बहुत छोटे से हैं। सो आज अनिका और मैं दोनों मिलके बनाएंगे झूला एंड वीडियो करेंगे शेयर आपके साथ। एंड ऑफकोर्स कल का जो हमारा प्रोग्राम है, कल बहुत बड़ी मस्ती होने वाली है यहाँ पर। और अनिका ने डांस में पार्टिसिपेट किया हुआ है एंड अनिका राधा बन के डांस करेगी। सो कल मैं करूँगी ब्लॉगिंग और कल मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हमने जन्माष्टमी को सेलिब्रेट किया। सो आज हम बनाते हैं झूला एंड उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है। कुछ दिखाओ ना। और हमारे पास ट्रिपल साइडेड टेप है और लेटर पेपर और कार्डबोर्ड, कैंची और ग्लू। एंड ये साथ में क्या है? मिठाई का पुराना डब्बा। यस, सो अभी सबको लेके हम बनाने वाले हैं बहुत ही सुंदर। पहले अब हम क्या करेंगे, आसन बनाते हैं। तो उसके लिए ये मैंने पुराना मिठाई का डब्बा लिया हुआ है। तो ये वाला जो पार्ट है इसका, हम इस तरह से ये कितना ऊंचा उठा के आसन बनाएंगे। और हाँ, इसके लिए हम लगाएंगे ग्लिटर पेपर। यस, बाकी का सामान अभी हम हटा देते हैं। और गोल्डन वैसे भी उनके रिसेंट जी के उस पिलर से मैच करता है, मतलब चलो अभी हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें लगाएंगे। यस, इसको हम इसके ऊपर अच्छे से कवर अप कर देंगे। और जिसके पास ग्लिटर पेपर नहीं है वो नॉर्मल पेपर में भी ग्लिटर पेपर डाल के बना सकता है। यस, नॉर्मल कलर की पेपर भी यूज कर सकते हैं, है ना? हाँ। झूले की साइड की डंडियाँ हम न्यूज़पेपर से बनाएंगे। न्यूज़पेपर को इस तरह से राउंड राउंड करके हम तीन डंडियाँ बना लेंगे। और अब इन डंडियों को हम रेड कलर के ग्लिटर पेपर से डेकोरेट कर देंगे। इस तरह से ये पूरी डंडियों को हम कवर कर देंगे। इन डंडियों को मैंने बीच से फोल्ड कर लिया है जिससे कि ये इस तरीके से स्टिक हो जाएं। और इसमें सबसे बेस्ट होता है ग्लू गन। सो आप इस तरीके से इसको प्रॉपर तरीके से स्टैंड कर लीजिए। और अब हम बनाएंगे बैठने का आसन। ये आसन के लिए मैंने नॉर्मल कार्डबोर्ड लिया है और उसको कट कर लिया है और उसको रेड कलर के ग्लिटर पेपर से कवर कर देंगे। अब साइड में इस तरह से सपोर्ट लगा देंगे एंड इस सपोर्ट को मैं ब्लू कलर के ग्लिटर पेपर से कवर करूंगी जिससे ये थोड़े इन्हेंस होके सामने नज़र आएंगे। अब इसमें जो भी डेकोरेशन है वो कुछ इस तरीके से करेंगे कि जहाँ पे भी हमने स्टेपलर्स लगाए हैं या जॉइंट्स हैं वो कवर हो जाएं और वो थोड़े ब्यूटीफुल दिखने लगे। सो जहाँ पे भी जॉइंट्स हैं वहाँ पे मैं इस तरीके के ये लेस वाले पर्ल्स लगा लूँगी। अब ये आसन हमारा जिस रस्सी पे झूलेगा उसके लिए हम रस्सी बनाएंगे।
सो उसके लिए मैंने ये छोटे आर्टिफिशियल फ्लावर्स लिए हैं वाइट कलर के, और ये ग्रीन लीव्स हैं। ये एक्चुअली मैंने स्टेशनरी शॉप से परचेज़ किया है, ये आप खुद से भी पेपर से बना सकते हैं, बहुत ईजी है, बट टाइम नहीं था इसलिए मैंने ये नॉर्मल परचेज़ कर लिया है। और इसको हम ग्रीन कलर की ऊन के ऊपर इस तरीके से लगाएंगे जिससे कि लगेगा कि कोई बेल है। अब बस जहाँ मन करे वहाँ सुंदर सुंदर सितारे मोती लगा दीजिए और बन जाएगा हमारे कृष्ण कन्हैया का प्यारा सुंदर झूला। साइड की डंडियों को सपोर्ट करने के लिए भी मैंने बोर्ड्स को साइड में लगा दिया है जिससे कि झूला थोड़ा स्टेबल हो गया है। और ये रेडी हो गया है हमारा झूला, और इस समय घड़ी में बज रहे हैं रात के 12, और ये मैंने कल के लिए सारी प्रिपरेशन कर दी है। सो झूला पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपसे मिलूँगी अब मैं कल। तो चलिए मिलते हैं कल और सेलिब्रेट करते हैं जन्माष्टमी।